सिंगरौली में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में 16 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है। सिंगरौली में अलग अलग जगहों से नए कोरोना मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन और सख्त हो गया है। बताया जा रहा है कि वंदना चिकित्सालय एंड रिसर्च सेंटर के 3 कर्मचारी, CISF NCL अमलोरी के जवान, पचोर जेल के बंदी सहित अन्य जगहों से 16 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में अंतर्राज्यीय सीमा उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ से लगे होने की वजह से बाहर से लोग आ रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जिले के कोरोना पीड़ित 62 महिला व पुरुष कैदियों को सुरक्षा की दृष्टि व बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए शहडोल व सतना जेल में शिफ्ट किया गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।